तो चार्ल्स मैच का है न्यू अपडेट एडविल इस वाले अपडेट के अंदर गेम में आया है एक न्यू मोड नाइटमेयर मोड। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग ट्राई करने वाले हैं नाइटमेयर मोड को। एंड अगर तुम लोग भैया सोच रहे हो कि ब्रोदर पूरा गेम कहाँ है, तो वह पूरा गेम मिलेगा अपने मेन चैनल एटॉमिक स्लाइट पर। वेल प्रोबेबली तुम में से सभी को पता है ऑलरेडी, और जो नई ऑडियंस हो उनको बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब या देन तुम यहाँ से वहां जाके उसे देखोगे, मुझे व्यूज मिलेंगे एंड आई एम व्यूज का लालची इंसान। ओके फॉरगेट इट, लेट्स स्टार्ट नाइटमेयर मोड एक्चुअली, है ना। एंड क्या भाई तुम्हें मैंने तुम लोगों को बताया कि भैया नाइटमेयर मोड में क्या क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो भैया नाइटमेयर मोड में जो एटमोस्फेयर है, जो एरिया है, सराउंडिंग है, वो ज्यादा ही डार्क हो जाएगी। एंड भाई तुम्हें अपने पास सिर्फ एक ही लाइफ होगी, अगर अपन मरे तो गेम खत्म। एंड उसके अलावा जो अपना चार्ल्स होगा वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होगा। मे भी साले ने बाइक रखा के नशे किए होंगे, सो या फॉरगेट इट एक्चुअली। ओके हाय सर, व्हाट्स अप, या व्हाटएवर यार, तेज बंद कर ब्रो, बंद कर प्लीज, आई डोंट वांट टू लिसन योर डायलॉग्स एक्चुअली। ऑलराइट भाई, लिटरली असली बाइक रखा के नशे तो इस बंदे ने किए, साला बुढ़ापे में भी इतनी जवानी, ये देखो। ओह ओह छोरे कतई भाई साहब, आंखों से उजल हो रहा कति। अरे नाइस नाइस चचा नाइस एक्चुअली कति नाइस। ओके तो भैया एटमोसफेयर देखो तुम, लिटरली स्कैरी बहुत ही ज्यादा एक्चुअली, है ना। ओह आई लाइक इट। एंड या व्हाटएवर आई नो ऑलरेडी, मुझे जाके चाबी ढूंढनी है। एंड काहे की ढूंढनी है, ये रास्ता सिंपली लेके जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने खेला था तब मैं थोड़ा सा नशेड़ी था, अदरवाइज लिटरली ये सीधा रास्ता है। ओके फॉरगेट इट एक्चुअली, है ना, फॉरगेट इट। और अपने को ये खोलना है, इसके अंदर जाना है, यहाँ से ये चाबी पिक थैंक यू। ओके तो चाबी पिक करनी है, जस्ट सिंपली उस बुड्ढे के पास दोबारा जाना है। और या अभी तो वो ट्रेनिंग करवाएगा अपने को, निंजा टर्टल बनवाएगा साला अपने को, राइट। यस ऑफ कोर्स। ओके तो आई से गुड ऑन यू, लुक्स लाइक यू फाउंड इट, या व्हाटएवर अंकल व्हाटएवर। ओके यहाँ आ जाती है ट्रेन के अंदर, और ये स्टार्ट का बटन है। नहीं अभी तो ये मेरे को गन वगैरह चलाना सिखाया, यूज द क्विकली नेविगेटर आइलैंड वगैरह फलाना का, ये आ जाते हैं। यस मैंने देख लिया इसको, प्लीज़ हटा दो इसको, प्लीज़ मेरे को नहीं लेना आप ट्यूटोरियल एक्सेट्रा। भाई तो भैया हट तक इससे था, मैं भूल गया। ओ स्केप, ओके ठीक है, यहाँ आना है और अपने को गन ट्रायल लेनी है। भाई ओ गेम के डेवलपर भैया, तूने ठीक है नाइटमेयर मोड डाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा एटमोसफेयर डाला है, बट भाई साल भाई ट्रेनिंग कैसे करें यार। भाई जब एक गन से जो उजाला आ रहा है उससे ज़्यादा डर लग रहा है, थोड़ा सा गेम थोड़ा और स्पूकी बन रहा है। वेल आई लाइक इट एक्चुअली, बट ओए नई नई चीज़ें एक्चुअली, हाँ आई लाइक इट। और ओ बंदे तूने लिटरली पहली बार खेला था तभी ऐसे डराया था मेरे को। फलाना डिमका वाड़ी वर जो भी होती है, ये ऐसी की तैसी। ओके लेट्स गो एक्चुअली टू फाइट शूट चार्ल्स, या बेबी क्रीपी नहीं लग रहा है ये बुड्ढा, बोल ना रहा करो। ओ चार्ल्स भैया इस ये रहा, ओ ये रहा चार्ल्स, इवन तो आई नो कि अब क्या होने वाला है ऑलरेडी, सो या मतलब ऑलरेडी मेरे को मालूम था, खा जा उसको, या ऑफकोर्स तू उसको खाएगा एंड अब तो चला जाएगा। और ये ट्रेन ऑटोमेटिक रुकी है, मैंने रोकी भी नहीं है। लेट्स गो बैक, या क्योंकि मैं ना एक्चुअली छोड़ो ना यार, क्या मतलब स्टॉप इट, या यहीं पे रोक दो, वेट। अरे अपने ऐड कर व्हाटएवर जो भी हो उस बंदे का नाम है, उसकी बॉडी आई गेस आगे रह गई है ना, मैंने लिटरली उसके ऊपर से निकाल दी। चार्ल्स ने टैटू बना दिया तेरे, हाँ बुड्ढे वेट लगा रहे तू ब्रो, या कीप गोइंग ईजी आउट, या या आई नो या हैव अ नाइस डे सर, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैं निकल लेता हूँ यहाँ से और फोकस कर लेते हैं गेम के ऊपर। वेट मुझे करना क्या था, मैं लिटरली भूल गया। वेट मैटर, एम से मैप ओपन होता है, ऑफकोर्स हर एक गेम का कॉमन यही है एक्चुअली, है ना। ओके तो वेल आपने जाना कहाँ पर है, यहाँ बाद में जाना है। ओके तो अभी अपने को लिटरली मिलना है इस अनमैन पीसी व्हाटएवर जो भी इसका नाम है, इसके पास ही चल लेते हैं। ओके तो
नहीं मुझे लगा ट्रेन आवाज़ नहीं एक्चुअली नहीं ठीक है तो इसके पास चल लेते हैं। वो आते हैं, ये रही लोकेशन अपनी, लेट्स गो, माय ट्रेन को लेके चलते हैं और हो सकता है अपने को चांस मिल जाए। मेरे को आवाज़ तो आ रही है उसकी एक्चुअली, है ना। और भाई एटमोसफेयर भी इतना ब्लैक बना दिया कि कच्चू नहीं दिख रहा, बढ़िया स्पूकी तो है भैया, कहना पड़ेगा स्पूकी तो है एक्चुअली, है ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा से ज़्यादा है भाई, इतना भी मत करो कि भाई बंदे का मुंह निकल जाए डर के मारे। ओह डियर, ओके तो आगे कहीं पे भैया चेंज करने का रास्ता आएगा जहाँ पर अपने को ये रास्ता चेंज भी करना पड़ेगा। ओ वेल वो दूर है अभी थोड़ा, वो दूर है अभी थोड़ा। एंड वेल मेरे हिसाब से अब वो मेरे सामने, ऑफ कोर्स वो सामने आ चुका है, बिल्कुल रोक दे वेट एक मिनट, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ऑफ कोर्स एक्चुअली, तो फिर हालो मतलब काहे रुकना भाई, जब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रुक के मिलेगा भी क्या। एंड भाई साहब रात का टाइम इतना सही अंधेरा और सिर्फ ट्रेन का उजाला, एक्चुअली में भैया मेरे को सही में इस तरह का मतलब दृश्य चाहिए, है ना, ये देखने में कितना सही लग रहा है भाई लिटरली। ओके तो स्टॉप हियर, क्योंकि मेरे को इस घर के अंदर जाना है, तहकीकात करनी है, जिसके अंदर मेरे को एक या क्रीपी अंकल या We're happy, you know. या हाँ हाँ फलाना डिमका जो भी हो, लेट्स गो, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए एक्चुअली, है ना बात तो सुनता नहीं हूँ मैं, और फिर देन भैया मैं सोचता डोलू कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वाओ ग्रेट, क्या मुझे यहाँ कुछ मिलेगा काम का जिसे मैं यूज कर सकूँ। एक तो लिटरली कत्ती अंधेरा कर दिया यार भाई, है ना, नहीं थोड़ा सा तो उजाला रखना चाहिए था यार, थोड़ा सा एक्चुअली, है ना, मतलब बिल्कुल ही भाई डार्क मोड में खिलवा दिया इस बंदे ने तो यार। ओके ये खुलेगा नहीं ना, कतई नहीं। आई से इन्वेंट्री, अपने पास चाबी है जो है अपनी टोनीज वारन की, व्हाटएवर, लेट्स गो बैक। और एक्चुअली कौन ट्रेन में छंडे अपन, जस्ट सिंपली इसको दबा कर वेट एक मिनट, इसको ओके नेवर माइंड, अपन को बैठना ही पड़ेगा। या ऑफ कोर्स बैक चल लेते हैं, क्योंकि मेरे को अब जाना है इस बंदे के पास। वेट लेट्स गो फॉरवर्ड, क्योंकि मैप में नई लोकेशन आई है यहाँ पर, लूट टोनीज बैरन। मैं यहाँ पर हूँ, आया एक्चुअली, यस मैं हो क्या आ चुका हूँ यहाँ पर ऑलरेडी, है ना। एंड यप रोको दो यहीं पे, लेट्स गो, जय माता दी। ओके तो यहाँ चलते हैं, सामने भैया किसी टोनी का वेयर हाउस है, वारेन हाउस, व्हाटएवर जो भी इसका नाम है, लेट्स गो हियर, क्योंकि उसने कहा यहाँ पे लूट मिलेगी तेरे को, तो लेट्स लूट लो इस जगह को सिंपली। या पिक दैट ऑल, क्योंकि इससे फिर अपन अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर पाएंगे। वेल ये कैसा म्यूजिक आ रहा भाई, है ये चार्ल्स है या फिर मेरी ट्रेन है भाई, क्रीपी लग रहा है लिटरली यार, सही में इस बंदे ने एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा स्कैरी क्रीपी बना दिया भाई। और अभी एक और स्क्रैप बच रहा है जो फाउंड करना बाकी है, जो मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैं सब जगह चेक कर मार चुका हूँ। और या ऑफकोर्स मैं ऊपर भी देख के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऊपर, आओ हियर इट इज, ओके ऑल राइट, तो मिशन कम्प्लीट। एंड अब मेरे को आई गेस लूट टोनी बैरन कम्प्लीट हो चुका है अपना, नाउ दैट यू हैव सम रिसोर्स यू कैन गो बैक टू योर ट्रेन, मेक सम अपग्रेडिंग, या इन ऑलरेडी, है ना। एंड ये मेरी ट्रेन है ना, कह दो प्लीज भैया चार्ल्स ना है साला लिपट जावे यार वो, वेयर इज माई ट्रेन, ओके हियर इट इज एक्चुअली, हियर इट इज एक्चुअली। हाँ तो यहाँ आ जाते हैं, अपग्रेडिंग पेन लेते हैं, मेरे को अंदर रहना था, नेवर माइंड, यहाँ जाते हैं। और पहले तो भैया स्पीड अपग्रेड कर लो, है ना, क्योंकि चार्ल्स लिपटे सेवक है ना, तो ये कर लेते हैं ट्रेन हेल्थ। हाँ हाँ यार थोड़ी सी बढ़ा लो प्लीज, ट्रेन हेल्थ जरूरी है, यस ऑफ कोर्स। ऑलराइट लेट्स गो, अगली प्लेस अपना कहीं नहीं है, और सामने देखे तो अपने सामने है भैया एक और अनमैन, मतलब अनमीट एनपीसी, और मेन तो भैया ये है अपना, ओके
रिक्वायर मिशन जो जरूरी है करना, क्योंकि यहाँ अपने को मे बी समथिंग मिलेगा एक्चुअली। ओके तो वेल पहले यहाँ आ जाते हैं क्योंकि पीछे भी जाना है और देन इसके पास भी जाना है। तो हेलो वेल, मेरे को कोई बताएगा भैया सडनली यहाँ का ये म्यूजिक इतना, वेट लाल उजाला, अच्छा वो है, मैं सोचू भाई चार्ल्स आ गया एंड वो एक्चुअली मार गया। शिट वो आ गया, शिट वो आ गया, खा गया बे यार, शिट रियली यू हैव नो लाइफ्स रिमेनिंग, रिप भाई कहा था ऑलरेडी लोगों ने कि चांस और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, बट इसका ये तात्पर्य थोड़ी है भैया कि सारा सीधा आगे फाड़ खाएगा लिटरली यार, या ये स्कैरी था, ये एक्चुअली में स्कैरी था। ओके okay.